स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के प्राइवेट फॉर्म के बारे में। जो बच्चे सीबीएसई के प्राइवेट एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो उन सभी को वेट होगा कि हमारे फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए, जो प्राइवेट फॉर्म्स होते हैं वो सितंबर में आ जाते हैं, तो यानी कि सितंबर चल रहा है अब, क्योंकि एलओसी आ गई है सीबीएसई की। एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ गया है, ये उनके लिए होता है जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, रेगुलर होते हैं, उनकी लिस्ट जाती है। जब एलओसी आ जाती है उसके थोड़े समय बाद ही आपके फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि आपके फॉर्म 15 सितंबर से पहले पहले अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म आ जाएंगे। ये फॉर्म जो होंगे कहाँ पर आएंगे, सीबीएसई की ऑनलाइन वेबसाइट पर आएंगे, जो कि आपको जाके फिल करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपकी एडमिट कार्ड की डिटेल्स, ठीक है, ये आपको चाहिए होती है ताकि आप फॉर्म को फिल कर पाएँ। उसके साथ आपको चाहिए होती है आपकी फोटोग्राफ जो होगी वो पासपोर्ट साइज़ होती है। आप चाहें तो खुद से भी मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, जो वाइट बैकग्राउंड होगा तो सही रहेगा, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और साथ में जो फॉर्म की फ़ीस है उसके बारे में बात करें तो फॉर्म की फ़ीस होती है वो एक सब्जेक्ट की 300 रुपये और 450 होती है अभी के हिसाब से। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो 300 रुपये नहीं लेंगे, 450 लेंगे। अगर बिना प्रैक्टिकल का होगा तो 300 रुपये लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये 300 रुपये में होता है। जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इनमें प्रैक्टिकल होता है तो ये 450 का होता है। प्रैक्टिकल का एक जो एग्ज़ाम होता है वो आपको नहीं देना होता है, पुराने वाले मार्क्स आपको वापस मिल जाएंगे। बस खाली आपको प्रैक्टिकल की 150 रुपये की जो फीस होती है वो देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता, ठीक है। पहले वाले मार्क्स आपको वापस मिल जाएंगे, सारे जो भी प्राइवेट वाले बच्चे हैं उन सभी को वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें कि फॉर्म की जो अवेलेबल होगा वो सारा काम ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। बाकी आप चाहें तो हमसे फॉर्म फिल करा सकते हैं, हमारी तरफ से फॉर्म फिल किया जाता है, जो कि 71 रुपीज़ की जो पेमेंट है, फ़ी है, वो रखी हुई है, वो आपको पेमेंट कर देनी है UPI के थ्रू। अगर आप 71 की पेमेंट करते तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर जितने बच्चे हैं सभी का फॉर्म फिल किया जाएगा, और फॉर्म फिल के साथ साथ आप वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ पाएंगे। वो ग्रुप जो है वो अगले साल तक चलेगा, ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 71 रुपीज़ की आपको UPI पेमेंट कर देनी है, UPI का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आपको पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो ईमेल कर देना है, ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। इस ईमेल आईडी पे आप जैसे ही ईमेल कर देंगे आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल कर, वहाँ से आप मतलब ज्वाइन कर जाएंगे, और फिर आपका जो फॉर्म है वो ऑन कॉल ही फिल होगा। जो फॉर्म वगैरह जो फिल होगा वो कॉल पर होगा, ध्यान रखना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी जब कॉल होगी तो कॉल में सारी जानकारी ली जाएगी, और आपके साथ ही वो फॉर्म जो है वो फिलअप होगा, और साथ ही साथ आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी डिटेल जो है वो फिल की जा रही हैं। आई होप जो समझ आ गई, कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। जो नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।